नमस्कार, मैं हूं आर्यन और इस वक्त आप देख रहे हैं धाकड़ लाइव न्यूज़। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोटा जिले के राम मंडी तहसील के लखारिया गांव में, जहां पर आयोजित हो रहा है 45वां श्री आदर्श धाकड़ सामूहिक विवाह सम्मेलन। इसकी धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ कवरेज आप देखिए सीधी मेन गेट स्वागत के साथ। आइए प्रवेश करते हैं शानदार सम्मेलन में, जो आपके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आइए, स्वागत है आपका, अंदर लिए चलते हैं सीधा। आप देख सकते हैं वेलकम गेट पे इतना बढ़िया शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर वेलकमिंग मेन गेट पर है, और इस प्रकार से पूरा सम्मेलन बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पूरा सम्मेलन का आपको घुमाएंगे अंदर पंडाल में, और पूरा जो आवास बनाए गए हैं दूल्हा दुल्हन के, सभी तरफ आपको ले जाएंगे। खाने की व्यवस्था किस प्रकार की है, पंडाल किस प्रकार का है। हमारे साथ धाकड़ लाइव न्यूज़ टीम के साथ में DRG दल दौलतराम धाकड़ मौजूद हैं, जो कुक्षा का अध्यक्ष हैं। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको आगे लिए चलते हैं पूरे सम्मेलन को दिखाने के लिए, जिसको हम दो भागों में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए पूरे कार्यक्रम तक, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके धाकड़ लाइव न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, और सभी अपने ग्रुप में शेयर करें और इस सम्मेलन की कवरेज को अपने तमाम मित्रों तक पहुँचाएँ। आइए आगे चलिए। ये जल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना कार्यकर्ता गण, जल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना ये मुख्य द्वार आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और वातानुकूलित ठंडा। बीच में लाइनिंग में और दोनों तरफ जो मुख्य गेट है, इसको इतना बढ़िया सजाया गया है कि हर कोई इसकी सराहना कर रहा है। इधर भागे, टोकन ले गए। इस तरफ को मैं तो एक बार देखा, ज्यादा नहीं है। फिर मुख्य गेट के राइट तरफ मिलेगा अपने वाले, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन के जो जोड़े आए हुए हैं उनको अपना अपना आवास दिया गया है। हम बारी बारी से आपको दूल्हा और दुल्हन दोनों तरफ से जो यहाँ पर सभी को आवाज दिए गए हैं नजारा दिखाएंगे। चलते हुए सभी जोड़ों को अलग अलग अपने अपने आवाज लिए यहाँ पर सुंदर व्यवस्था। आप देख सकते हैं यहाँ पर
शौचालय की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये नीचे पाइपलाइन बिछाई गई है, सभी को आसानी से ठंडा पानी मिल जाए। इसके साथ ही यहाँ पर कैंपर भी पहुँचाए जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन के आवास में, ट्रैक्टर भी मिल जा रहा है टैंकर के साथ। ऐसे गर्मी के मौसम में भी गर्मी के इस चैलेंज को मात देते हुए इसे अपना लोहा लेकर समाज ने इस प्रकार से जो ये समाज ने सम्मेलन आयोजित किया है, व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है वास्तव में काबिले तारीफ है और पूरी सम्मेलन समिति धन्यवाद के पात्र हैं। युवाओं का झुंड आपको इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है और हो भी क्यों ना, युवाओं का एक कहने के आज हमारा हिंदुस्तान है, देश है। देश में अगर सबसे बड़ी आबादी का अगर कोई है तो युवा है। सम्मेलन में छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी शिद्दत से कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुँचे हैं और इस सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए सभी अपने अपने मित्रों के साथ मुलाकात करने में लगे हुए हैं और इस पूरे सम्मेलन को आनंदित होकर इसको देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे की व्यवस्था, आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया, सभी व्यवस्था अपने अपनी ओर से यहाँ पर लेके आए हैं। 20x25 सम्मेलन के मुख्य गेट की हमने अब अपने बाईं तरफ अपना सफर पूरा किया। इससे पहले हम दाईं तरफ कर रहे थे। आप देख सकते हैं ठंडे पानी की जो पाइपलाइन नीचे बिछाई गई है उसका भी आनंद लेते हुए हमारे सहयोगी, हमारे साथी दौलत राम धाकड़, रुक्षा गादिया, ये देख सकते हैं आप जो पाइपलाइन बिछाई गई है इस प्रकार से, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और हम आपको बता दें कि 5 मई को उत्पूरा में सम्मेलन होने जा रहा है इसी प्रकार से धाकड़ समाज का 4500, उसमें भी ये पानी की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से नीचे पाइपलाइन बिछाई जा रही है और उसमें भी ऐसी व्यवस्था रहेगी। अपने अपने स्टॉल पैराडाइज एग्रो इंडस्ट्रीज की ओर से यहाँ पर लगाई गई है। खाद बीज दवाइयों की भी अपने यहाँ पर स्टॉल किसी की ओर से लगाई गई है। धाकड़ एग्रो करके आप देख सकते हैं चंदू जी नागर उत्पुरा पुलिस वाली टीम के साथ में बहुत ही बढ़िया, हमारी टीम के सदस्य दौलत राम जी भी समाज बंधुओं से मुलाकात करते हुए, और आप इनके पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है ठंडे पानी की। हम बताना चाहेंगे ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल जो कि झालावाड़ में है, धाकड़ आर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर, झालावाड़ आर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा सेंटर जो कि सुरेश जी धाकड़ डॉक्टर साहब के द्वारा संचालित हैं, इनकी ओर से पानी की सुंदर व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस प्रकार से पानी की यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है और पूरे पंडाल में और पूरे ही सम्मेलन में हमारे की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो टेंट जो लगा हुआ है इसके ऊपर, टेंट के बिल्कुल ऊपर खंबे के बिल्कुल खंबे टू खंबे में यहाँ पर एक ऐसी लाइन बिछाई गई है पतली सी, जिससे बारीक बारीक झंड जिसको बोल सकते हैं हमारा आ रहा है, हमारे वो रिकॉर्डिंग में आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि बिल्कुल बारीक है तो पानी
रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, हल्का सा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। दौलतराम, अमित भाई, ये पूरी टीम, हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद है। ये हमारा पार्ट वन लखनऊ सम्मेलन का, इसमें यहाँ के स्थानीय निवासी युवा कार्यकर्ता धाकड़ रामविलास मालो का भी हमारे साथ बहुत सहयोग रहा। पार्ट टू आप देखेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धाकड़, आप बने रहिए। धन्यवाद।